हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अगर दोस्तों आप भी डेल का लैटिट्यूड 7480 लैपटॉप परचेज करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस लैपटॉप में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट लैपटॉप बन जाता है। प्लस ये भी देखेंगे कि इसकी जो टच स्क्रीन है डेल की इस लैपटॉप की वो कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे तो आपको ये अराउंड अभी 1,45,000 रुपीज का पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका चार्जर देखते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको एक डेल की ब्रांडिंग का चार्जर मिल जाता है और ये इसका डिजाइन देखें तो बहुत स्लीक डिजाइन है। और अगेन इसके साथ आपको एक कोड मिल जाती है जो स्टैंडर्ड कोड है डेल के किसी भी लैपटॉप के साथ। तो इसका जो डिजाइन देखा मुझे बहुत अच्छा लगा इसके चार्जर का और एकदम स्लीक डिजाइन है। तो इसको रखते हैं साइड। मैंने पहले लैपटॉप को बॉक्स से हटा दिया था, इसके अब इसको फॉर्म से हटाते हैं और देखते हैं कैसा डिजाइन है। तो पहले हम जानेंगे इसके डिजाइन के बारे में और फिर हम इसको आपको पोर्ट्स दिखाना शुरू करेंगे। तो आप देखें तो आपको इस तरीके से डेल का लैपटॉप मिल जाता है और यहाँ पे आपको डेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अगेन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, मगर इसमें प्लास्टिक जो यूज किया है बहुत हाई ग्रेड का है तो आपको महसूस नहीं होगा कि कोई नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे भी डेल की लैटिट्यूड 7480 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इस तरीके से ये लैपटॉप है बैक साइड में, तो हम बैक साइड में फीचर्स बताऊंगा ये जो फीचर्स है इसका क्या हेल्प करेगा। और आपको आगे से फ्रंट से अगेन दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ लैपटॉप है डिजाइन वाइज। और ये जो भी लैपटॉप है हमारा 14 इंच का लैपटॉप है। अब हम जानना शुरू करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करके लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट एक मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बेसिक पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ दूसरी साइड में कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है। एक यहाँ पे आपको ऑडियो का पोर्ट मिल जाता है जहाँ पे अपना आप हेडफोन या माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक यहाँ पे सिम स्लॉट मिल जाता है, ऊपर अगर आप देख पाए तो आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट करके उसका भी स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक और USB का स्लॉट मिल जाता है और ये आपका हो जाता है लैन का पोर्ट। तो इस तरीके से आपको ये स्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आपको मैं बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे बैक साइड में आप देखें तो डेल के इस लैपटॉप में बैक साइड में कोई ऐसा स्लॉट नहीं है। और आपको इस साइड से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको अगर इस से भी दिखाऊं तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। अब बात करें अगर इसके लैपटॉप की बैटरी की तो अगर आप देख पाए तो इसमें अगेन इंटीग्रेटेड बैटरी है लैपटॉप में। और आपको यहाँ पे इसकी अगेन ब्रांडिंग देख पाए तो इस तरीके से ब्रांडिंग मिल जाती है। तो इंटीग्रेटेड बैटरी में होता क्या है कि अगर आप कल को चेंज करने का सोच रहे हैं तो आप खुद इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको सर्विस सेंटर जाके इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है जैसे आप अपने आपको बैटरी को निकाल के खुद चेंज कर पाए। तो इस तरीके से कुछ ये बैक साइड है। अब हम लैपटॉप को फ्रंट साइड से ओपन करते हैं और आपको फिर मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि अंदर से कुछ कैसा है ये। तो इस तरीके से आपको ये कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे कोई ऐसी ऐसा कोई स्पेशल की है नहीं, ये स्टैंडर्ड 14 इंच के लिए जो कीबोर्ड आता है आपका डेल में वैसे ही स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। बात करें माउस की तो आपको यहाँ पे डबल माउस का ऑप्शन मिल जाता है। कई लोगों को नीचे के तरीके से यूज करना ज्यादा ईजी लगता है और कईयों को ऊपर यूज करना ज्यादा ईजी लगता है, तो उन्होंने इस तरीके से दोनों जगह प्रोवाइड कराया है। और बात करें यहाँ पे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जिससे आप अपने लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो हमने लैपटॉप परचेज किया है ये हमारा i5 है 7th जनरेशन का इंटेल का। और इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात भी करूँ साइड बाय साइड तो इसमें आपको 256 GB की स्पेस मिल जाता है, प्लस इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल कीबोर्ड है, इसमें कोई अलग से कोई स्पेशल बटन है नहीं। आपकी स्क्रीन की तो ये आपको 14 इंच की स्क्रीन है जो है टच स्क्रीन है। कैसा इसका रिस्पॉन्स है मैं जब इस लैपटॉप को ऑन करूंगा तो आपको टच के थ्रू दिखाऊंगा कि कितना रिस्पॉन्सिव ये स्क्रीन है। प्लस ये जो स्क्रीन है ये हमारी फुल हाई डेफिनेशन की स्क्रीन है, मतलब 1080p की इसकी रेजोल्यूशन है स्क्रीन की। और अगर इसकी मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके जो स्पीकर्स है वो बैक साइड में नीचे की तरफ लगे हुए हैं। और आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड में स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है स्पीकर्स की वो आपको मैं यूट्यूब में वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। प्लस जब मैं वीडियो प्ले करूंगा तो इसमें 4K एक वीडियो भी प्ले करूंगा ताकि आपको स्क्रीन की क्वालिटी भी पता चल जाए। और मैं आपको जो पहले भी बता रहा था तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये दोनों साइड प्रोवाइड किया गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इस साइड में भी मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट ये है कि कल को आप जिसको टेबल पे प्लेस करते हैं तो आपका लैपटॉप को हल्का सा हाइट में हमेशा रहेगा और यहाँ से आपका कूल होता रहेगा, मतलब ये आपको हल्का सा हाइट प्रोवाइड कराता है जिससे आपको लैपटॉप को हीट होने से बचाता है। तो चलिए आप लैपटॉप को ऑन करते हैं और देखते हैं स्क्रीन की क्वालिटी वगैरह कैसी है। बटन प्रेस करता हूँ, ऑन कर दिया मैंने और हम देखेंगे कि कितना फास्ट बूट होता है। तो अभी मैंने इसका प्रेस कर दिया था बटन और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो लैपटॉप है i5 प्रोसेसर के साथ कितना फास्ट बूट होता है। तो डेल की ब्रांडिंग आ चुकी है और आप देख सकते हैं। और इसकी अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो इसमें विंडोज़ 10 डला हुआ है लैपटॉप में। जब ऑन हो जाएगा तो मैं आपको
टच का स्क्रीन का रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, प्लस आपको यूट्यूब में जाके एक वीडियो और ऑडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि साउंड क्वालिटी भी टेस्ट हो जाए ताकि और वीडियो क्वालिटी भी टेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप देखिए बूट टाइम बहुत फास्ट है, अराउंड 10 से 15 सेकंड्स ही लगे। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग दिखा दिया, 14 इंच का कीबोर्ड मिल जाता है। अब इसकी मैं बैक लाइट जला के दिखाता हूँ, जिसका एक और नेक्स्ट अगला अच्छा फीचर है। तो मैं इसकी कीबोर्ड की लाइट को जलाता हूँ, तो आपको इसमें फंक्शन कीज के साथ यूज़ करना होता है, तो मैंने फंक्शन की दबा के आपको दिखाऊं। तो इसमें इस तरीके से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप बंद हो गई, आपको फर्स्ट टाइम करेंगे तो इतनी ब्राइटनेस होगी, और सेकंड टाइम जब इसको प्रेस करेंगे तो ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। अब ये कितना इफेक्टिव है आपको रूम की लाइट बंद करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने रूम की लाइट बंद कर दी, तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट अगर कीबोर्ड की नहीं जल रही तो प्रॉब्लम क्या आती है। अगर आपको रात को अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस के भरोसे रहना पड़ता है, और आपको इस तरीके से टाइप करना पड़ता है जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसकी बैक लाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुझे एक अच्छा बहुत अच्छा फीचर लगा। इस तरीके से अगर आप जब प्रेस करेंगे तो आपकी कीबोर्ड की लाइट जल जाएगी, और रात को अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको साइड वाले को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि आपको लाइट लगाना नहीं पड़ेगी। उस तरीके से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस को। तो आप देख पाएंगे ब्राइटनेस अब बढ़ चुकी है, और आप एक और बार प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड की लाइट बंद हो जाएगी, जो एक मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। अब चलिए लाइट को करते हैं ऑन, और फिर हम चलते हैं टच स्क्रीन के बारे में, जानते हैं कितनी रेस्पॉन्सिव स्क्रीन है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था ये टच स्क्रीन इसकी है, तो आप देखें तो इस तरीके से टच रिस्पॉन्स कितने हैं। तो आप देख पा रहे हो मेरे सिंगल टच को प्रेस करने से आपका राइट क्लिक वाला ऑप्शन चल जा रहा है, जो आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप इस तरीके से टच करें। या तो आप इसका माउस का यूज करें, या तो आप ये। तो अभी के लिए हम सीधा चलते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, और आपको मैं सीधा यहाँ से टाइप करता हूँ क्रोम, और वहाँ पे आपको जाके मैं यूट्यूब में वीडियो चला के दिखाता हूँ, ताकि आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी का लग जाए। और अभी के लिए माउस का यूज ना करते, टच का यूज करता हूँ। तो ये हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे अगेन टच करता हूँ और टाइप करता हूँ YouTube, और अगेन टच से ही मैं करता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो मेरे टच से ही चल रहे हैं, ना मुझे कीबोर्ड का यूज ज्यादा करना नहीं पड़ रहा, ना ही माउस का। अब मैं अगेन यहाँ पे सर्च पे टाइप करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ एनिमल्स 4K, और इसको करता हूँ अगेन यहाँ से टच से ही सर्च। तो इस तरीके से इसका आप देखेंगे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, इसे क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट विंडो ओपन हो जा रही है। मैं अभी फटाफट वीडियो को क्लिक करता हूँ, और आप देख पाएंगे मुझे टच का ही यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे कोई कीबोर्ड या माउस का ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। अभी ऐड स्किप हो गया, और मैं इसको फुल स्क्रीन में चला के आपको पहले वीडियो क्वालिटी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ऑडियो क्वालिटी के लिए गाना भी चुना के दिखाऊंगा, ताकि आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का दोनों का डिफरेंस पता चल जाए, और क्वालिटी भी पता चल जाए दूसरे लैपटॉप्स के मुकाबले। तो आपको मैं यहाँ पे पहले दिखाता हूँ कि इसमें कितनी कॉन्फ़िगरेशन तक चल पा रहा है। तो आप देखें अभी ये ऑटो पे 1080 पे पी पे सिलेक्टेड है, आप देख पाए तो यहाँ पे 4K चलाने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और आप प्रोसेसिंग फास्ट होने के कारण और इसमें ग्राफिक्स अच्छे होने के कारण आप देखेंगे जरा भी लैग नहीं कर रहा, और उसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ, और आप देख पाएंगे कि स्क्रीन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और मैं इसकी अगर एकदम पास ले जाऊँ तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं या आप अपने टेलीविजन पे देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी पे देख रहे हैं, हाई डेफिनेशन वाले, या लैपटॉप में देख रहे हैं, इस तरीके की स्क्रीन है। अब मैं ऑडियो को भी थोड़ा बढ़ाता हूँ, मैं ऑडियो को थोड़ा कम ही रखूंगा ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे पाए, थोड़ा कम ही रखता हूँ फिर, क्योंकि जब मैं ऑडियो चलाऊंगा तब मैं बोलूंगा नहीं, ताकि आप ऑडियो का ईयरफोन के थ्रू क्रॉस चेक कर पाए। तो इस तरीके से है इसकी ये वीडियो की स्क्रीन की क्वालिटी। अब हम बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी के लिए। तो मैं अगेन इसको एस्केप करता हूँ, और यहाँ पे कोई एक NCS का म्यूजिक प्ले करता हूँ। और इसको मैं प्ले करता हूँ, और फिर इसमें ऑडियो बढ़ा दूंगा। और आप अगर इसकी साउंड क्वालिटी जानना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप ईयरफोन लगा लीजिए। और मैं आप इसके ऑडियो को फुल कर देता हूँ। तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो इसके स्पीकर्स हैं वो नीचे हैं, तो आप देख पाए तो आपकी जो साउंड आ रही है वो नीचे से आ रही है। कई लैपटॉप्स होते हैं, आपने उसमें देखा होगा आपकी फ्रंट ग्रिल लगी होती है, वहां से ऑडियो आता है, बट आप इसके स्पीकर्स जो है वो नीचे के साइड पे लगे हैं, और ऑडियो तब भी बहुत लाउड है।
तो इसका ऑडियो बहुत लाउड है, अगर आप मूवी वगैरह प्ले कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इसको बाहर निकलते हैं और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक लैपटॉप की होती है वो मैं ड्राइवर्स दिखाता हूँ कि आप इसके ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है। तो डेल के ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए या आप किसी भी कंपनी के ड्राइवर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप गूगल पे जाइए और उस कंपनी का ब्रांड नेम लिख के डेल ड्राइवर्स करके सर्च करिए, या आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप सर्च करके क्लिक करिए, जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा सर्च सपोर्ट में, जहाँ पे आपको का एंटर अ डेल सर्विस टैग, ये जो डेल का सर्विस टैग है आपके जो लैपटॉप के पीछे लिखा होता है वहाँ उस नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे अपना लैपटॉप का जो भी मॉडल डिज़ाइन है, लैटिट्यूड है, उस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, या आप अपना सर्विस टैग देंगे। अगर आप सर्विस टैग के थ्रू सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होने चाहिए। तो अभी इसको फिल करके सर्च करने के बाद, मैंने पहले से अपना फिल कर रखा था यहाँ पे सर्विस टैग नंबर, तो आप दूसरे टैब में जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखाएगा फाइंड अ ड्राइवर फॉर योर लैटिट्यूड 7480। और इस तरीके से आप अपनी विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने 64 बिट की डाली है, विंडो 7 है, या इस तरीके से आप अपना विंडोज वगैरह सेलेक्ट करके बिट साइज सेलेक्ट करके कैटेगरी के थ्रू आप यहाँ पे या अपने आप भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स का ड्राइवर या चिपसेट का ड्राइवर जो भी आपको इंस्टॉल करना है यहाँ से आप डाउनलोड करिए और ड्राइवर जो है आपको डाउनलोड जाएगा और आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपको मैंने दिखाया है डेल लैटिट्यूड 7480 का इंटरफेस कैसा है और कैसे ये लैपटॉप है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है इस लैपटॉप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।